इधर साइड ना धनिया। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सालू नेगी और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं फिर से अपने एक और नए ब्लॉग में। अभी सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं और आज का मौसम मैं आप लोगों को दिखाऊं तो तेज वाली धूप खिली हुई है और अच्छा सा मौसम हो रखा है। बाकी दोस्तों आज संडे है ना, तो माँ और मैं जा रहे हैं दौला के खेतों में और कान्हा घर के काम काज निपटा रही है। बाकी चलते हैं दौला के खेतों में और आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। आज की सुबह का मौसम मैं आप लोगों को दिखाऊं तो धूप लगी हुई है और पहाड़ों में धुंध जैसी लगी हुई है। लोग ना दूर के खेतों में सुबह जल्दी चले जाते हैं काम धाण करने, क्योंकि बाद में ना धूप होती है तो काम करने का मन नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। आजकल ना रास्ते में कुम्मर वाली घास हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा घास पर ना कुम्मर हो रखे हैं बड़े बड़े, तो बहुत ही ज़्यादा कुम्मर लग रहे हैं। खेत में हम लोग पहुँच चुके हैं और अब जल्दी से निपटाते हैं खेत के काम धाण। हमारे खेत के हाल ना कुछ ऐसे हो रखे हैं, मंडवे का न्याना पूरा टूट रखा है और हम लोग ना चौलाई और भट के लिए आ रखे थे, बोले तो सोयाबीन की बेलों के लिए आ रखे थे, तो हम लोगों ने इन खेतों से निकाल दी हैं और अब चलते हैं ऊपर वाले खेत में। सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं और हम लोगों ने मरचे की लवाई कर दी है और घर जाने भी लग गए हैं। बाकी माँ तो चले गई है और अब मैं भी चलती हूँ घर की ओर। तो आज यहाँ पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है अंशों के द्वारा। बोला तो कुछ क्या करना, तुम कुछ नहीं करना, हाँ आवाज़ नहीं होनी। बाकी हम लोग ना घर पहुंच गए हैं और यहाँ पर हम लोगों ने त्रिपाल में ना चौलाई सुखाने के लिए रखी हुई है। बाकी हम लोग ना खेत से जो कुछ भी लेके आए हैं ना उसको अभी छत में सुखाने के लिए डाल रहे हैं और हम लोग ना दालों की बेलों से ना एक एक फलियाँ ढूंढ ढूंढ के लेके आए हैं, तो अभी यहाँ पर दाल की फलियाँ भी हमने सुखाने के लिए डाल दी हैं और यहाँ पर ना इस कट्टे में रखी हुई है हम लोगों ने पहाड़ी राजमा, जो कि बहुत ही कम मात्रा में हो रखी है। हमने ना मरचू भी सुखाने के लिए डाल दिया है, चौलाई भी सुखाने के लिए डाल दी है और ये लास्ट है। मैं ना मार्केट से 2 किलो आलू लेके आई थी और वो ना आजकल अच्छे से अंकुरित हो चुके हैं, तो माँ ने ना उनको काट दिया है और हम अपने ना उधर के सगड़े में आलू लगाएंगे अभी। हमने ना अपने सगड़े में इधर साइड ना धनिया लहसुन और हरी सब्जी राय की सब्जी उगा रखी है और यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, यहाँ पर लगा रहे हैं आलू। शाम के लगभग 4 बज रहे हैं और अभी मैंने गौशाला आ गई हूँ और मैंने यहाँ पर ना भैंस को भी घास डाल दी है। बाकी अभी मैंने जाना है खेत में, जिन खेतों में हम लोगों ने मंडवे का न्यार काट के सुखाने के लिए डाल रखा है ना, तो वो अच्छे से सूख गया होगा, तो उसको बांधना है और पेड़ों पर लगाना है। बाकी चलते हैं खेत में। सामने नीचे खेतों में लंगूर आ रखे हैं और इन्होंने ना फसल को बर्बाद कर दिया है और जो भी दालों की बेलें थी वो भी बर्बाद कर दी हैं। हम लोग यहाँ पर ना न्यार बांध रहे हैं और सामने नीचे पेड़ों पर ना लंगूर बैठे हुए हैं। शाम के लगभग 6 बज रहे हैं और अब जाके ना हम लोग घर जा रहे हैं। बाकी माँ तो चली गई है गौशाला घास को लेके और आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आप सभी लोगों से अपने एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। जय देवभूमि उत्तराखंड।